नमस्कार, कहते हैं कि इस समय पर सागर जिले के थानों में इस समय पर जो है शराब पकड़ी जा रही है। वहीं पर हम आपको बता दें कि रहली में जो है शराब पकड़ी गई है, 31 पेटी शराब पकड़ी गई है। वहीं पर जो है 32 पेटी बहरुल थाने में शराब पकड़ी गई है। यह शराब गाड़ियों में थी जिसका पुलिस ने पकड़कर इस पर जो है कार्रवाई की है। वहीं पर आबकारी विभाग की अगर बात की जाए, सागर में आबकारी विभाग से ज़्यादा पुलिस विभाग इस समय पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, वहीं पर सरपंच चुनाव के लिए यह शराब तो नहीं रखी जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कहीं ना कहीं इस समय पर सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर थानों में इस समय पर शराब पर पुलिस नकेल कसे हुए हैं। आप देखिए तुम तक न्यूज पर आंसू दुबे के साथ में हर्षद भदौरिया की यह विशेष खबर। आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। कितने तलाश जारी है? शराब की कीमत क्या बताएं? शराब की कीमत करीब 1,50,000। बहरल थाने में जो शराब पकड़ी गई है सर, क्या है ये पूरा मामला? ये आज हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी, सागर तरफ से अवैध शराब लेके आ रही है और वो धामोनी तरफ जाने वाली है। तो उसी सूचना की तस्दीक हेतु हमने बहरल रोड पे धामोनी रोड पे चेकिंग लगाई थी। तो चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई है, जिसके ड्राइवर ने भगाने का प्रयास किया तो गाड़ी पंचर होकर रुक गई थी। और आरोपी, दो आरोपी थे जो गाड़ी छोड़ के भाग गए थे, तो जिनको स्टाफ ने पीछा करके पकड़ा गया है। दोनों आरोपी हैं, दोनों ने अपना नाम, एक नाम है उमेश, पिता अखे सिंह मैना के, और दूसरा है आशीष, पिता लखन सिंह रघुवंशी। ये दोनों सिरोंज के रहने वाले हैं, विदिशा के, ठीक है। और गाड़ी से करीब 32 पेटी अवैध लाल मसाला शराब पाई गई है, जिसके सोर्स के बारे में पता किया जा रहा है कि कहाँ से।